नमस्कार दोस्तों, SRK ऑन ट्विटर। आज इंडियन मेंस हॉकी टीम ने इतिहास रच दिए हैं। यस, 41 साल बाद फिर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। यस, आज इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 में हरा के इंडिया के लिए ब्रॉन्ज कंफर्म कर लिए हैं। और इस खुशी की मौके पर किंग खान भी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और ट्विटर में शाहरुख खान इंडियन मेंस हॉकी टीम को बधाई देते हुए अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स शेयर किए हैं। आप सबको शाहरुख सर की ट्वीट सबसे पहले पढ़ के सुना देते हैं। शाहरुख सर इंडियन मेंस हॉकी टीम को लेके ट्वीट करते हैं। वो इंडियन मेंस हॉकी टीम कॉन्ग्रेचुलेशन, रेसिलियंस एंड स्किल एट इट्स पीक, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच। तो आज भी पूरे दिन हर न्यूज चैनल में और हर तरफ इंडियन मेंस हॉकी टीम की तारीफ के साथ साथ किंग खान की फिल्म चक दे इंडिया की टाइटल ट्रैक चलने वाले। मतलब किंग खान की फिल्म चक दे इंडिया भी मेंस हॉकी टीम के साथ लाइमलाइट में बनने वाले, जिसको देखने के बाद हेटर्स फिर एक बार जलने वाले। क्योंकि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया को बीट करने के बाद शाहरुख खान के एक ट्वीट के बाद सारे हेटर्स और भक्त की बहुत बुरी तरीके से जला था। और आज भी किंग खान की इस ट्वीट के बाद और चक दे इंडिया को लाइमलाइट में देखने के बाद बहुत सारे हेटर्स के चलने वाले हैं। लेकिन उन सबको साइड करके आज खुशी मनाने के दिन है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद इंडिया के लिए फिर से कोई ओलंपिक्स मेडल लाए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल इंडियन मेंस हॉकी टीम की प्लेयर और सारे टीम को, कोच को, खास करके उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को।